नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीएज एग्जाम में। तो आप सबके लिए एमपी पुलिस 2024 के लिए कटअप की जानकारी लेके आया हूँ, ठीक। और आज रिजल्ट आने की इसकी संभावना है, ठीक है, लगभग 99% संभावना है कि आज रिजल्ट आ जाए, नहीं तो कल तो आने ही आना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं जानेंगे अपन प्रूफ के साथ, क्योंकि अभी ग्रुप फोर का जो रिजल्ट आया उसमें कितने नंबर बढ़े हैं कितने घटे हैं ये पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के शेयर भी करना है। तो आपको बिल्कुल सबूत के साथ नंबर बताए जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार 2022 में कितने नंबर बढ़े थे और किसके कितने क्या हुए थे, कम हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कटअप की जानकारी पे चलते हैं। तो ये रहा 2024 के अनुमानित कटअप, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 2024 में जो कटअप रहने वाला उसकी, तो यदि अनरिजर्व की बात कर लें तो ये मान लीजिएगा ये आपका 70 से लेकर 75 नंबर के बीच में जाने की संभावना। अभी आपको बताऊंगा कुछ नंबर किसके घटने वाले हैं और किसके नंबर बढ़ भी सकते हैं। यदि ओबीसी वालों की बात कर लें तो ये मान लीजिएगा 70 से लगभग, ठीक है, 72 के बीच में कटअप रहने वाला है, 70 से 72 के बीच में, क्योंकि आपको इतना पता होगा। यदि 2022 की बात करें, कब की बात करें, 2022 की, तो लगभग कितने बच्चों को बुलाया था, 30,000 बच्चों को बुलाया था। लेकिन 2024 में जो बच्चों को बुलाने वाले हैं वो लगभग 56,000 या 57,000 के समथिंग बच्चों को बुलाने वाले हैं। तो लगभग लगभग इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो कटअप इतना हाई जाने वाला नहीं, ये जो मैंने बता दी, यदि आपके इतने नंबर के बीच में है तो 100% आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर बढ़ भी सकते हैं और किसी के घट भी सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी आपको बताऊंगा कि पिछले 2022 में कितने नंबर बढ़े थे और कितने नंबर घटे थे। यदि एससी की बात करें तो एससी का ही मान लीजिएगा 65 से लेकर 67 के समथिंग, ठीक है, 65 से कितने के बीच में, 67 के समथिंग यदि आपके नंबर है तो धड़ा के तैयारी करिए एमपी पुलिस की फिजिकल की। यदि एसटी की बात करें तो एसटी का ये मान लीजिए 60 से लेकर 65 के बीच में यदि आपके नंबर है तो बिल्कुल धड़ाके से तैयारी कर दीजिएगा फिजिकल की। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि आप कटअप ज्यादा बता रहे हैं या कम बता रहे, तो देखिए ये अनुमानित कटअप है, इसके लगभग समथिंग एवरेज ही जाएगा। ऐसा नहीं कि अब मैंने 75 बताया तो आपका कटअप कितना चला जाए, 80 चला जाए। अब 80 इसलिए भी जा सकता है जिसके नंबर 75 है मान लीजिएगा, ठीक है, उसको 5 क्या हो गए, प्लस हो गए, तो उसके कितने बन जाएंगे, 80 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और किसी के 75 नंबर, अब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए 70 पे आ गया, 5 उसके कम हो गए और उसको 70 लिस्ट चली गई 71 पर, फिर बोल लेंगे कि मेरे नंबर कम हो गए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसी गलती हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए कुछ अपन 2020 का जो पेपर हुआ था उसका देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के अंदर इसको जो नंबर मिले थे कितने, 67.7, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके नंबर हो चुके हैं कितने, 74.03। तो कितने नंबर, 3 और 4, 7 नंबर प्लस हुए कि नहीं हुए, कितने नंबर प्लस हुए, 4। और अभी रिजल्ट आया है, 1 के 9 नंबर प्लस हुए। अब जो भी हुआ हो, ठीक है, तो उसके 9 नंबर इंक्रीज हुए नॉर्मलाइजेशन में। अब भी ये तो अपन पहले की बात कर रहे हैं, अब देखिए 1 के नंबर घटे भी है प्रूफ के साथ, मैंने बोला था, तो देख लीजिएगा इसको। देखिए 2020 में जो पेपर हुआ था एमपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें 78 नंबर मिले थे, कितने मिले थे, 78, लेकिन इसके घट के कितने बचे थे बताइए, 73 नंबर बचे, कितने बचे देख लीजिएगा, 73, और यहाँ 78 मिले थे, 73 बचे, तो मतलब कितने, 5 नंबर माइनस हुए हैं। तो देखिए नंबर घट भी जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं, तो दोनों सबूत आपको बता दें। और अभी अभी आपने तो देख ही लिया होगा कि ग्रुप फोर में क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि नौ नंबर प्लस हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो चिंता नहीं करनी है। देखिए 2 से 3 नंबर आप प्लस यदि माइनस है तो आप तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल के जो नंबर है वो आपको मिलने वाले हैं, तो फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए। मान लीजिए यदि आपके रिटन टेस्ट में नंबर कम है तो फिजिकल में नंबर ज्यादा लेके आप मेरिट में आ सकते हैं, ये अभी आपके पास ऑप्शन है। फिर क्या रहेगा, जैसे रिजल्ट आएगा फिर टाइम आपको कम ही मिलने वाले, लगभग 1 महीने के समथिंग या 1.5 महीने ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 1 महीने के पहले पहले आपका फिजिकल करवा दिया जाएगा। दोस्तों एक बार और, यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्या शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।